बजट के जरिए नाराज चल रहे गांव के किसान और मध्यम वर्ग पर राहत की बरसात करके मोदी सरकार ने अपने अगले आम चुनाव के लिए अपने बिसात बिछा दी है। खास तौर से करमुक्त मध्यम वर्ग और छोटे किसानों को सीधी नकद राशि के सियासी दाव से सरकार ने सीधे 15 करोड़ लोगों को एक साथ साधने की कोशिश की है। यह वही वर्ग है जिसे लगातार 5 साल राहत की उम्मीद में ना उम्मीदी मिलने के बाद नाराजगी की राह पकड़ ली थी। गौरतलब है कि मध्यम वर्ग को जहां वर्ष 2014 के आम बजट के बाद पेश किए गए 4 आम बजट में लगातार ना उम्मीदी हाथ लगी थी, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और फसल लागत को 1.5 गुना कीमत के सरकार के दावे के बावजूद किसान वर्ग सरकार से नाराज चल रहा था। अब जबकि सरकार ने अचानक करमुक्त आय की सीमा में 100% की बढ़ोतरी की है और अन्य राहतों को जोड़कर अब करमुक्त आय की सीमा करीब 7 लाख हो गई है, तब सरकार को चुनाव से पहले इस वर्ग का अपना मुरीद बनाने की उम्मीद है। सरकार ने इसी तर्ज पर पूरे देश में ऋण माफी की घोषणा न करने की मंजूरी में छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सीधे डालने की घोषणा की है। किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है।